नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। फिर से अगर आप चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस 1 रुपये के शेयर के बारे में जो अभी 1 रुपये 91 पैसे का ट्रेड कर रहा है। तो ये बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। 14 स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। बात कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, गोयल एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक का नाम है एंड अभी 1 रुपये 85 पैसे के आसपास का भाव है। मार्केट कैप 8 करोड़ का है एंड ROC स्टॉक में हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। साथ में स्टॉक का जो 52 सप्ताह का लो है वो 1 रुपये 35 पैसे का है। तो मैं यही बोलूँगा, इस भाव में स्टॉक को आप एकुमलेट कर सकते हो और सिंपल से ये सिंपल से स्टॉप लगा सकते हो 1 रुपये 35 पैसे का, ठीक है। 1 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लगा सकते हो और प्लेज होल्डिंग प्रोपोर्टर्स की ना के बराबर है। नीचे लेके चलता हूँ, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ठीक है। कंपनी लग रहा है डेट रिड्यूस कर रही है, उसे कंपनी का काम है फाइनेंस से रिलेटेड है। बाकी कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके आपको दे रही है 16 लाख के आसपास का, ठीक है। यदि प्रॉफिट आपके सामने, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न कंपनी का आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोटर्स की होल्डिंग 5% है एंड साथ में देख सकते हो कि स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखेगा, जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर एक हिडन प्रमोटर्स है, ठीक है। तो हिडन प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देख सकते हो मोर देन, यहाँ पर हमें 40% के आसपास देखने को मिलती है। और ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न बना स्टॉक को वीडियो बनाने का, राइट। तो चाहो तो स्टॉक को इस वजह से आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टॉक का, एक तो ये आपको समझ आ गया आपको हिडन प्रमोटर्स, ठीक है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत कम लोग बताएंगे जिनको थोड़ी बहुत समझ, अपनी खुद की रिसर्च जो लोग करते हैं उनको ये पता होगा हिडन प्रमोटर्स, बाकी किसी को नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा हिडन प्रमोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी प्राइस थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न, वहाँ से थोड़ा आपको समझ आ जाएगा कि मुझे स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है। देखो, इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न आपके सामने और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि स्टॉक ने 1 मंथ में पैसे बना के दिया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उसके मैक्स चार्ट की, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक अभी देखो एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है 1 रुपये और बिल्कुल उसने वहीं सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास, और स्टॉक दोबारा ऊपर जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, 1 रुपये 90 पैसे 2 रुपये के आसपास स्टॉक आप एकुमलेट कर सकते हो। 1.5 रुपये का आप चाहो तो स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में वेट कर सकते हो एटलीस्ट कहाँ तक के टारगेट के लिए, 3 रुपये के टारगेट के लिए हम सोच सकते हो। स्टॉक 3 रुपये के टारगेट आपको इमीडिएट दिखेंगे। और बाकी अगर अपसाइड टारगेट की बात करता हूँ, अपसाइड इसका जो रजिस्टेंस है 6 रुपये के आसपास का, इसका फाइनल टारगेट रहेगा 6 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो 6 रुपये के आसपास भी आप चाहो तो स्टॉक में एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में समाप्त करता हूँ और बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।